हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बीओक्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बीओक्यू क्या होता है, किस तरह बनाया जाता है और किस तरह इसको प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हम लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो गो हैड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट शेयर की जा रही है और अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो गए तो वो भी आप उसके अंदर पूछ सकते हो। रिप्लाई मैं करूंगा, बाकी लोग भी रिप्लाई करने वाले वो भी उसके अंदर करेंगे, तो इससे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी भाई। जाओ ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बीओक्यू क्या होता है दोस्तों? बीओक्यू होता है बिल ऑफ क्वांटिटीज। बहुत सारी बार प्रोजेक्ट में सुना रहेगा बीओक्यू बनाए क्या नहीं बनाया, बीओक्यू आया क्या नहीं आया, बीओक्यू गया क्या नहीं गया है, बीओक्यू चेक किया क्या नहीं किया, ये सारा वर्ड तो हमेशा यूज होता रहता है। तो पूरा डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर करने वाले हैं कि बीओक्यू को कहाँ आपको यूज करना है, किस तरह बनाना है और किस तरह यूजफुल, कितना यूजफुल एक डॉक्यूमेंट है ये वो देखेंगे, ठीक है। तो पीपीटी में देख लेते बीओक्यू क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इस लाइन में दिया गया, इट शोज इन टैबुलर फॉर्म द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्मड इन अ प्रोजेक्ट। तो स्टार्टिंग से लेके दोस्तों जब भी आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो एक्सकेवेशन से लेके जो फाइनल हैंडओवर स्टेज होगा, फिनिशिंग का, लास्ट पेंटिंग वगैरह का, वहां तक की जितनी भी एक्टिविटीज आ रही है उसकी क्वांटिटीज कितनी है, जो भी उसकी यूनिट होगी क्वांटिटीज की, वो आपको इस टैबलेट फॉर्म में देना होता है। इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ मैं। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है दोस्तों। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर होगा या फिर आइटम नंबर होगा, फिर उसका आइटम का डिस्क्रिप्शन होगा, फिर उसकी क्वांटिटी होगी और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, ठीक है, जैसे स्क्वायर मीटर में, लीटर्स में, मीटर क्यूब में, फिर उसका रेट होगा, फिर उसका अमाउंट होगा। तो इससे जो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग गया रहेगा बीओक्यू क्या है। तो क्या होता है, इसमें एक क्वांटिटी होगी, उसका रेट होगा और उस रेट से हमें उस एक्टिविटी का कॉस्ट कितना आ रहा है वो पता चलता है, ठीक है। तो देखो जब भी बीओक्यू आपको प्रिपेयर करना होगा तो सबसे पहले आपको लगेगी ड्रॉइंग्स। जब तक आपके पास ड्रॉइंग नहीं आती आप बीओक्यू प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर लगती है क्वांटिटीज। अगर आपके पास ड्राइंग होगी तो आप उस ड्राइंग से जो भी एस्टिमेशन जो आप करते हो, क्वांटिटी सर्वे करते हो, वो करके आप सारी की सारी एक्टिविटीज फाइंड आउट करके आप एक यू नो क्वांटिटीज बना सकते हो, आपकी ये एक्टिविटी की इतनी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। अभी आपको बीओक्यू किस तरह बनाना है, ठीक है, आपने क्वांटिटीज निकाल लिए। बीओक्यू बनाने के लिए आपको हर एक एक्टिविटी के लिए एक ब्रीफ उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आइटम डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको ब्रीफली बताना है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करने वाला है उसको एक्चुअली में करना क्या है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा। डिटेल पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं देना है कि ये मटेरियल होगा, इसका स्पेसिफिकेशन ये रहेगा, ये मटेरियल की ये स्पेसिफिकेशन, बट ब्रीफली ऊपर ऊपर से बताना है कि ये आपका काम है, ये आपको करना होगा और क्या आपका काम है जो आपको नहीं करना है, आपके काम में से क्या आपको नहीं करना है, ये भी आपको बता देना होगा, ठीक है। डिटेल में जो एक बीओक्यू है मेरे पास सिविल का, वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जरूरत क्या होती है बीओक्यू बनाने की, ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि अगर आपके पास क्वांटिटी है और उसका रेट है तो आप उसका क्या कर सकते हो, उससे कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों टेंडरिंग प्रोसेस के लिए काम आता है। अभी ये बीओक्यू जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉरमोस्ट जो रीजन होता है बनाने का वो होता है हमारा टेंडरिंग पर्पज के लिए। टेंडरिंग में क्या होता है, आपके पास अगर कुछ काम है तो आप चाहते हो कि चार पांच कॉन्ट्रेक्टर आए, उस बीओक्यू को देखे और उस बीओक्यू में से जो भी क्वांटिटी होगी उसके अगेंस्ट में आपको रेट कोट करे और उसके हिसाब से आप क्या करते हो, आपका कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करते हो या फिर आपका काम जिसको भी ऑर्डर देना है वो फाइनल करते हो, ठीक है। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर जुड़ने के लिए भी आपको एक बीओक्यू बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे समझो कुछ काम चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 10 क्लाइंट के पास जाऊंगा, मुझे ये काम चाहिए वो काम चाहिए, ठीक है। तो वो लोग बोले क्या, मेरे पास ये काम है, मेरे पास बांध काम है, मेरे पास आरसीसी का काम है, मेरे पास पेंटिंग का काम है, ठीक है। तो जब भी मुझे रेट कोट करने की बारी आएगी तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे बीओक्यू दो। तो बीओक्यू में दोस्तों यही होगा कि मुझे क्या करना है उसमें लिखा रहेगा डिटेल में। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर रेट डाल दिया इस पर, इतने इतने रेट में मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फ्यूचर में लोग बोले कि नहीं 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 आपको ये थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा, वो ज्यादा करना पड़ेगा, ये काम ऐड हो रहा है, हमारी ड्रॉइंग चेंज होगी वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, फ्यूचर में मुझे लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो बीओक्यू रहता है एक तरह से यू नो एक डॉक्यूमेंट रहता है, मतलब एक प्रूफ होता है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। इससे क्या होता है कि क्लाइंट भी सेफ रहेगा और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पर सेफ हो जाता है, ठीक है, एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो यही सारा यहाँ पर इसमें एक नीड दी गई है बीओक्यू की। तो अभी आपको एक इंपॉर्टेंस पता चल गई रहेगी बीओक्यू की, ठीक है। जब भी आप कुछ काम करने जाओगे तो हमेशा आप उसका बीओक्यू देखो, तो ऐसा ना हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या अगर आप आपके पास कोई क्लाइंट है तो ऐसा ना हो कि क्लाइंट आपसे ज्यादा काम करवा रहा है या फिर
आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर कम काम कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिविल बीओक्यू, ठीक है। सबसे पहले सिविल एक्टिविटी होती है दोस्तों एक्सकेवेशन की। एक्सकेवेशन किसमें नहीं है, मैं बैक फिलिंग से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो बैक फिलिंग देखो, अभी यहाँ पर एक्टिविटी जो भी दी गई है इसमें शॉर्टली दिया गया काम क्या करना, बैक फिलिंग द अर्थ इन ऑलरेडी एक्सकेवेटेड पिट्स, मतलब ऑलरेडी खड्डा खोदा गया है वहां पे आपको खाली क्या करना है, बैक फिलिंग करना है, फिलिंग करना है, कॉम्पैक्शन करना है लेयर्स के अंदर नॉट एक्सीडिंग 200 mm, एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। तो क्या कर सकता है वो कॉन्ट्रेक्टर, इसके हिसाब से अपना मेथड स्टेटमेंट भी ड्राफ्ट कर सकता है वो, कि मैं इस तरह से काम करने वाला हूँ। और साथ में दिया गया रैमिंग करना है, वाटरिंग करना है, कंपैक्टिंग टू 90% प्रॉपर डेंसिटी, ठीक है। ये सारा है इसके अंदर, और उसकी क्वांटिटी और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी यहाँ पर देख सकते हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया गया क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ पर लेट सपोज इसकी क्वांटिटी आती है 2000 m³, ठीक है। इसकी क्वांटिटी आती है 2000 m³ और इसका रेट होता है लेट से 250। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये बैक फिलिंग का यहाँ पे रेट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी वगैरह के लिए भी दिया गया रहेगा। देखो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन सीटू कंट्रोल्ड सीमेंट कंक्रीट एज पर द अप्रूव मिक्स ऑफ फॉलोइंग ग्रेड्स फॉर लेवलिंग कोर्स। फिर उसका दिया रहेगा M10 का ग्रेड रहेगा, तो उसका अलग से क्वांटिटी निकालना है। M15 है तो उसका अलग क्वांटिटी दिया गया रहेगा, उसका अलग से रेट दिया गया रहेगा, कौन सा एग्रीगेट यूज करना है। फिर उसके बाद प्लम कॉन्क्रीट है, फिर आरसीसी है, आरसीसी का भी पूरा डिटेल में दिया रहेगा, मतलब किस तरह से कॉन्ट्रेक्टर को काम करना है ये पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया रहता है। तो अगर मोटी मोटी बात में अगर देखा जाए तो दोस्तों बीओक्यू इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स टू डिसाइड व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क आपको बताता है और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड बन जाता है और आपको टेंडरिंग पर्पसेस के लिए काम आता है। आई होप ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। फिर भी कुछ डाउट होगा ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हो, या फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप आपने अगर ज्वाइन किया है तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। एंड ये बीओक्यू मैं अपलोड कर दूंगा, इसकी लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इतना ही था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।